बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ कि बाइनांस का हमने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और इसके अंदर हमने कैसे फर्स्ट ट्रेड लगानी है। बहुत ज़्यादा इजी है इसके अंदर ट्रेडिंग करना। जितना हम मुश्किल समझते हैं कि कौन सा कॉइन कब परचेज किया जाए, इतना ज़्यादा इजी है इसके अंदर अर्निंग करना कि आप सोच नहीं सकते। और इस वीडियो को देखने के बाद आप डेली के 10 to 15 डॉलर अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। आपको एक चीज़ बता दूं, आपने बाइनांस का अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है और उसको क्रिएट करने के लिए इस वीडियो कंप्लीट वॉच करें और स्पेशली लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और अकाउंट क्रिएट करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 100 USDT फ्री में मिलेंगे। 100 USDT का मतलब ये है कि $100 आपको फ्री में मिलने वाला है अगर आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट को ज्वाइन करते हैं। और ये स्पेशल ऑफर मेरे इस लिंक के ऊपर चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन करके 100 USDT का रिवार्ड ले सकते हैं। और बाद में हम सीखेंगे कि कैसे इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है और कैसे हमने इसके ऊपर फर्स्ट ट्रेड लगानी है। वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है और वो भी इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि 10 to 15 डॉलर हमने कैसे अर्न करने हैं। तो यार बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करें अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं किसी रियल प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बाइनांस एक रियल प्लेटफॉर्म है। आप इससे बहुत मैथड हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल मैथड भी। अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करना चाहते तब भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होंगी, तो वो भी तमाम स्ट्रेटजी इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मुतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह के तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको मिल जाएंगे आपके अपने लैपटॉप मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। एंड लास्ट थिंग, अकाउंट बनाना नहीं भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो वेलकम टू मोबाइल फोन स्क्रीन, और यहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ प्रॉपरली कि कैसे हमने बाइनांस का अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा इजी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक को कॉपी करना है या उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो देन आपने अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा है इस लिंक से अकाउंट क्रिएट करने का, अभी मैं ये लिंक देखें ओपन कर रहा हूँ, आपको अब भी आइडिया हो जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आप अगर इस लिंक से ज्वाइन करते हैं, आपने वैसे भी अकाउंट बनाना है सिंपल, आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वही अकाउंट अगर आप इस लिंक से बना लेते हैं तो आपको 100 USDT का कैशबैक वाउचर मिलेगा, सही है, जो कि आप ये स्पेशल मेरी इस लिंक से अगर बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा, वरना आप डायरेक्टली अगर बनाते हैं तो आपको ये 100 USDT कैशबैक नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपने नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है कि गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहां पर दो मेथड है साइन अप करने के। नंबर फर्स्ट पे है साइन अप विद फोन और ईमेल है, एंड नंबर सेकंड आप जीमेल से साइन अप कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहते हैं। और यहां पर मैंने अपना गूगल अकाउंट लगा दिया और उसके बाद यहां से मैं कंफर्म करता हूं, एंड कंफर्म करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि साइन अप हो रहा है। अभी आपको यहां पर रेफरल आईडी शो हो रही है, ये वही रेफरल आईडी है जिससे आप यहां पर अकाउंट क्रिएट करें। उसके बाद एग्रीमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने बाइनांस का अकाउंट अंडर प्रोसेस है। और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट क्रिएटेड, वेरीफाई योर आइडेंटिफिकेशन टू एंजॉय योर बाइनांस चेंसी। अब यहां पर हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, उसके लिए सिंपल हम वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। और वेरीफाई नाउ के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे और यहां पर अब हमारे पास आ जाता है कि वेरीफाई विद बाइनांस ऐप से आपने करना है, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने करनी। वो आपको अब मैं ऐप के ऊपर लेकर जाकर दिखाता हूँ कि कैसे आपने अब वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। सिंपल हम आ चुके हैं अकाउंट वेरिफिकेशन होम पेज के अंदर, यहाँ से हमने अकाउंट अपना वेरीफाई करना है। बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल आपने करना क्या है कि नीचे आपको बटन मिल रहा है वेरीफाई नाउ का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद हमारे पास पूछा जा रहा है कि रेजिडेंसी आपकी कंट्री कौन सी है, तो हम अपनी रियल जो कंट्री है जिस कंट्री के अंदर बेस हैं वो बताएंगे। जैसे कि मेरी इस टाइम पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान को प्रेफर करूंगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेप्स टू वेरीफाई योर अकाउंट इन 7 मिनट्स हैं, तो इसके अंदर हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, गवर्नमेंट आईडी इशू कार्ड देना है, और उसके बाद यहाँ से हमने अपना फेस की रिकॉग्नाइजेशन करनी है। बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल हमने करना क्या है कि कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। एंड जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमने नेशनैलिटी को चूज़ करना है। अब नेशनैलिटी जैसे कि मैंने बता दिया कि पाकिस्तान है, तो अगेन आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान करें।
एंड इसके बाद अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है, एंड उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। और ये आपका जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी आईडी कार्ड वाली होनी चाहिए। आपने फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देनी। एंड यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप कर ली है। अब आप कहेंगे मिडिल नेम कौन सा होता है, हमारा तो है ही नहीं, तो मिडिल नेम नहीं है भाई, तो ना दें आप इसको। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देकर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करें एंड उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। जस्ट जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अगेन लोडिंग होगी और यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहा जा रहा है। अब यहाँ से हम तीन तरह की वेरिफिकेशन दे सकते हैं, एक तो इंग्लिश स्मार्ट कार्ड नेशनल आईडी दे सकते हैं, सेकंड हमारे पास अगर पासपोर्ट है उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एंड थर्ड लास्ट है जो ड्राइविंग लाइसेंस। अब हम इसमें से किसी एक को देकर, जो आपके पास स्पेशल इस टाइम अवेलेबल, हर किसी के पास आईडी कार्ड होता है, लेकिन इसमें चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड नहीं है तो आप देन पासपोर्ट की तरफ आ सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है आप ड्राइवर लाइसेंस की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वो तो बनता ही इंग्लिश में है। तो इसलिए आप इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करें। तो यहाँ से मैं नेशनल आईडी को चूज़ करता हूँ और इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। एंड यहाँ पर आप सिंपल चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड वाला कंप्लीट कर लिया मैंने, जस्ट अपने आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड मैंने अपलोड कर दिया। एंड उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ से हमने करना क्या है कि फेशियल वेरिफिकेशन यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब कि हमने अपने फेस की वेरिफिकेशन करवानी है। और यहाँ पर जो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है वो ये है कि अवॉइड वेयरिंग हैट्स, अवॉइड वेयरिंग ग्लासेस अगर आप यूज़ करते हैं, अवॉइड यूजिंग फिल्टर्स, यूज़ इनफ लाइट। तो हमें ये सब कुछ करना है। तो मेरे वेरिफिकेशन के लिए जो ग्लासेस लगी हुई हैं मैं उसको उतार दूंगा और फिर मैं इसकी वेरिफिकेशन करता हूं। तो सिंपल वेरिफिकेशन डन होने के बाद मैं आपको अगेन बताता हूं कि नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा जी, वेरिफिकेशन के लिए आपको 20 सेकंड होते हैं, 20 या 30 सेकंड होते हैं आपके पास, जिसके अंदर आपने ये फेस वेरिफिकेशन करनी होती है। इसके अंदर आपको कहा जाता है कि आप अपना फेस हिलाएं, इस तरफ हिलाएं और उसके बाद अपनी आईज़ को शेक करें और अपनी आईज़ को ब्लिंक करें और फेस को शेक करें, कुछ इस तरह बस सिंपल से टास्क होते हैं वो आपने करना है। एंड उसके बाद ये वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आपका बाइनांस का अकाउंट ओपन हो चुका है। कम टू द मेन टॉपिक, और यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने सबसे पहले BUSDT बाय करने हैं, जो कि जिसके थ्रू हम ट्रेड यहाँ पर करने वाले हैं। आपने सिंपल करना क्या है कि आपको ये सिंपल इंटरफेस ओपन हो जाएगा जब आप पहली दफ़ा लॉगिन करके इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा वॉलेट्स का। मैं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर इसलिए समझा रहा हूँ, मैं आपको लैपटॉप पे भी लेके जा सकता था, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूज़न आनी थी कि सर हम वहाँ पर कैसे करेंगे मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन की ऐप बेस्ट है। अभी यहाँ पर मैं वॉलेट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सिंपल इजी स्ट्रेटजीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको देखें हो, यहाँ पर जैसे आप वॉलेट्स के अंदर आ जाएंगे आपको ओवरव्यू के अंदर पी टू पी ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है जी। आपने सिंपल क्या करना है, पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर पी टू पी ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी परचेजिंग करना चाहते हैं तो सर आप वो और से देख कर कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये स्ट्रेटजी है क्या, आप इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर वेलकम नोट आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऑर्डर, जिस तरह ऑर्डर प्लेस होगा, कैसे हमने ये तमाम चीज़ें करनी है, तो ये आप इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमने BUSDT सबसे पहले परचेज़ करनी है। अब BUSDT होते क्या हैं, दरअसल एक डॉलर से कह लें कि अपडेटेड वैल्यूज़ होती हैं और इसके अंदर हमें यही BUSDT लगा कर हम आगे ट्रेडिंग करते हैं किसी कॉइन के अंदर, मान लें BTC के अंदर, बिटकॉइन के अंदर करनी हो, किसी और कॉइन के अंदर। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपने इसको अभी माइंड में नहीं सवार करना, कुछ नहीं करना, बस आप ये समझ लें कि एक डॉलर ही है, BUSDT एक डॉलर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं बाय एंड सेल का। अभी हमने इसको बाय करना है तो इसलिए हम बाय पे रहने देंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वाले, यहाँ से आपने BUSDT को रहने देना है। ये USDT है, BUSDT मैं कह रहा हूँ इसको, लेकिन ये USDT है, तो आपने इसको USDT रहने देना है। तो आपने ये नहीं करना है कि ये BTC, BUSD, BNB इनमें से किसी को आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने USDT रहने देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स मिल रहे हैं, जैसे कि LD ट्रेडर्स है, शुहेब है। अब आपको ये क्या कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से इनसे ये USDT परचेज़ कर सकते हैं। अब USDT परचेज़ करने के लिए आपको मल्टीपल यहाँ पर रेट्स मिल रहे हैं। अब देखें ये सबसे पहले वाला बंदा आपको 255 का दे रहा है, इसी तरह नीचे भी 255 पे 6-7 पॉइंट्स के अंदर दे रहा है, मल्टीपल यहाँ पर रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने करना है क्या है कि यहाँ पर आपको एक कॉर्नर के अंदर फ़िल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन, आपने इस फ़िल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी अमाउंट इंटर करनी है, जितनी अमाउंट के आप BUSDT परचेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जी 4000 रुपए के BUSDT परचेज करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हमने करना क्या है कि पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। नीचे से ये देख सकते हैं कि ऑल बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, अमेज़ॉन बैंक, साडा पे और रास्ट है, आप इसमें से आ रहने दें। एंड उसके बाद कंट्री, जो भी आपकी रीजन है, आप कहाँ से इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसको पाकिस्तान कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, आप इसको फिलअप करें एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जी। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास वो ट्रेडर्स आ चुके हैं जो आपको 4000 रुपए लिमिट है, 4000 रुपए से अप जोन सा है वो आपको ये USDT दे सकते हैं। पहले हमारे पास वो ट्रेडर्स आ रहे थे जो कि 4000 में हमें जो है USDT नहीं दे रहे थे, वो 15000-20000 उनकी मिनिमम लिमिट थी। बट अब भी जो हमने फ़िल्टर लगा दिया ना, अब इसमें दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक तो ये पाकिस्तानी ट्रेडर्स आ चुके हैं एंड सेकंड नंबर पे ये आ चुका है कि हमें ये 4000 से अगर हमने इसको स्टार्टिंग लेनी है ना तो 4000 से USDT ये देंगे हमें। दूसरे नंबर पे फ़ायदा हमें ये होगा कि ये 4000 से लिमिट है इसकी मिनिमम, आप अपनी जो भी लिमिट रखना चाहते हैं, 2000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक बंदा जैसे कि अब देखें कि ये क्या कह रहा है कि ये अमेज़ॉन बैंक के थ्रू ले रहा है, ये भी अमेज़ॉन बैंक के थ्रू ले रहा है, लेकिन ये 258.38 वाला जो है ये मुझे दे रहा है, मैं इससे परचेज़ करूँ, मैं इस बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाय फिएट या बाय क्रिप्टो, मतलब कि आप कितने रुपए के USDT परचेज़ करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 4000 रुपए के मैंने USDT परचेज़ करने हैं, अब यहाँ पर मुझे साथ बता भी दिया है इसने कि आपको कितने USDT मिलेंगे, 15.48 USDT आपको इतने रुपए में मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि सिंपल कुछ नहीं करना, हमने बाय विद ज़ीरो फी के ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बाइनांस इज़ होल्डिंग द सेलर क्रिप्टो इन द एरो एस्क्रो अकाउंट, बाइनांस 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं, ओके कर। यहाँ पर देखें ये आपका ऑर्डर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ 4000 रुपीज़ है, 258.38 रुपीज़ के अंदर हमें ये मिल रहा है। एंड उसके बाद क्रिप्टो अमाउंट हमें इतनी मिल रही है, ऑर्डर नंबर हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया और मैंने उसे कहा कि अपना अकाउंट नंबर मुझे सेंड कर दें, तो उसने कहा है कि ऑल डिटेल्स इन पेमेंट पेज के अंदर हैं। और ऊपर यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें कि टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने उसको पेमेंट करनी होती है। अच्छा जी, आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, मैंने तमाम उसके साथ चैट किया कि आपका अकाउंट कौन सा है, उसका नाम वगैरह क्या है, तमाम चीज़ें मैंने उससे डिटेल ली हैं। उसके बाद आपने क्या कहना है कि पेमेंट करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है मेक पेमेंट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम और उसके बाद कौन सी उसकी ब्रांच वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने बैंक अकाउंट नंबर कॉपी करना है, ऊपर आपने नाम भी याद रखना है लतीफुल्ला। अब आपने बैक आना है और अपनी कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेनी, इजी पैसा, जैज़ कैश, यहाँ आप बैंक जो भी आपके पास एप्लीकेशन है वो करें, और यहाँ से आपने लाइट बैंक जो भी बैंक हो आपका यूज़र का, और उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने जितने पैसे सेंड करने हैं एंड उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर पेमेंट मेथड है, यहाँ पर मैं फैमिली सपोर्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ स्किप। और स्किप करने के बाद अब ये देख सकते हैं कि लतीफुल्ला के नाम के ऊपर मैं ये 4000 रुपीज़ सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कन्फर्म करता हूँ एंड कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर मैं बायोमेट्रिक अपनी दे रहा हूँ, मतलब कि मैंने फिंगरप्रिंट यहाँ पर अटैचमेंट की हुई है, तो सिंपल उसको डन कर दिया। अभी यहाँ पर मैंने 4000 रुपीज़ उसको सेंड कर दिए हैं एंड ये उसके पास चले गए हैं। और उसके बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप अपलोड करें पेमेंट प्रूफ कि आपने ये पेमेंट सेंड कर दी है। तो जी सिंपल आप अपनी इमेजेस के ऊपर आएँ, गैलरी के अंदर आएँ और यहाँ पर आपने उसको इमेज सेंड कर देनी है और ओके कर देना है और ट्रांसफ़र कर देना है नोटिफाई सेलर को। तो यहाँ पर जी ये देख सकते हैं मैंने उसको सेंड भी कर दिया और यू हैव मार्क्ड योर ऑर्डर हैज़ पेड, प्लीज़ वेट फॉर सेलर टू कन्फर्म द रिलीज एज एसेट। और यहाँ से वो कह रहे हैं कि आपका सेलर जो आपको क्रिप्टो रिलीज़ करके दे रहा है। तो सिंपल यहाँ पर रिलीज़ क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलीजिंग हो रही है। अब रिलीजिंग का यहाँ पर टाइम चल रहा है कि उसने 11 मिनट यानी कि 13 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये क्रिप्टो रिलीज़ करके देने हैं। एंड सिंपल उसने मुझे USDT रिलीज़ कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं USDT 7403 समथिंग इस तरह शो हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। बट ये जो शो हो रहे हैं ना ये आपको BTC के अंदर शो हो रहे हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यार वाकई मुझे उतने ही USDT उसने सेंड किए हैं, तो सिंपल आप इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर फंडिंग का, आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर फंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हैं USDT साथ लिखा हुआ है।
और USDT के साथ आपको ये भी बताया गया है यहाँ पर उन्होंने कि कितने USDT आपको रिसीव हुए हैं। ये देख सकते हैं कि 15.48 USDT उसने मुझे सेंड कर दिए हैं। तो हमारा ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है। तो इस तरह आप USDT परचेज़ कर सकते हैं। जब आपके अकाउंट के अंदर USDT आ जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम ट्रेड लगाना सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी आपको गाइड करूँगा। होप सो आपने वीडियो इन्जॉय की होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखना। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।